से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। Can I hear it for Sandeep Sobharkar and Shanti Priya, ladies and gentlemen? What a way to bring the night to an end. What an amazing... We'll be right back.
हमारी ऑडियंस को क्या मायने रखता है? हर डांसर के लिए डांस डे जो है, एक्चुअली हर दिन डांस डे होता है, पर लेकिन वर्ल्ड डांस डे का स्पेशल सेलिब्रेशन है जहाँ पर सब डांसर्स लोग एक साथ मिल करके पूरे दुनिया के डांसर्स साथ में लाते हैं। और आज के शो में हमने वही करने की कोशिश की कि अलग अलग विधाओं को ला करके यहाँ मंच पर आने की कोशिश की गई है। कुछ इंटरनेशनल थे, कुछ हमारे देश के थे, तो जितना हो सके एज अ डांसर मैं करना चाहूँगा टू पॉपुलराइज डांसिंग इन इंडिया। जितना हो सके हम चाहेंगे कि डांस लोग सीखें, डांस लोग करें, नॉट नेसेसरी आप किसी क्लास में जाएं, आप घर में भी डांस कर सकते हैं। ये डांस जो है खुशियाँ लाता है ज़िंदगी में, और वो खुशियाँ जो आती हैं वो कभी आप किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। गोपाल दास नीरजी की प्रसिद्ध कविता है, उसमें कहा गया है, दुख में नाचो सुख में नाचो, दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन रे जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया रे। तो मुझे डांस करते रहिए, डांस डे आया है तो हैप्पी डांस टू एवरीवन। बहुत नर्वस थी मैं जब शुरुआत में डांस करने के पहले, जब माइक थमा दिया तो नर्वस हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत कम बात करती हूँ। डांस अगर बोलेंगे तो बहुत कर सकती हूँ मैं, और स्पेशली इंटरनेशनल डांस डे के लिए इन्होंने जो मौका दिया मुझे प्रूव करने के लिए। क्लासिकल डांस वैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते, कोई भी डांसर्स सब डांस कर सकते हैं। जैसे संदीप जी ने मुझे मौका दिया वो प्रूव करने के लिए, तो मैं प्रूव बस होता है। संदीप सर, आज का सर बहुत बार हमने परफॉर्म करते हुए देखा आपको, संदीप जी के साथ आज का एक्सपीरियंस कैसा था सर? आज क्या होश उड़ गए थे आज का हमने लोग सोचा पहले कि हम लोग क्या मॉडर्न डांस पे कुछ नए गाने पे करें या कुछ पुराने गाने पे करें, तो हम दोनों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि एक पुराना गाना करना चाहिए, बिकॉज पुराने गाने की जो खूबसूरती होती है वो आज तक बरकरार है। शायद नए गाने आके चले जाएँ, पुराने गाने हमेशा रहेंगे। सो हम लोगों ने ये गाना चूज़ किया, एंड आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी चूज़ दैट, बिकॉज कभी कभी पार्टनरशिप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पार्टनर का एडवाइस लें, उनसे उनसे पूछें कि क्या अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट वी शुड यूज़ एन ओल्ड सॉन्ग। और आई थिंक ये गाना जो था सबके दिलों पर छाया हुआ है पहले से, और आज इसका नया रंग निकल के आया था। आखिर में आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी डांस के लवर है, जो डांस को देखना भी पसंद करते हैं, डांस को करना भी पसंद करते हैं, क्या मैसेज होगा आप दोनों के लिए? लाइफ इज एक्चुअली अ रिदम, कीप डांसिंग योर लाइफ थ्रू आउट विद योर विद डांस। यार दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। मैं यही बोलूंगा कि डांस करते रहिए हमेशा, जस्ट लाइक हाउ शी सेड डांस लाइफ इज अ रिदम। हमारे खून में हमारा जो बदन में हमारा खून डांस करता है, हमारी आंखें डांस करती हैं, सब तरफ हमारी सांसें डांस करती हैं। तो आप लोग डांस करते रहिए, लाइक मैंने पहले भी कहा किसी क्लास में नहीं जाना मत जाइए, नो प्रॉब्लम। शादी में डांस करना डांस करिए, बाथरूम में डांस करना डांस करिए, जहाँ करना है डांस करिए, पर हमेशा डांस करते रहिए, बिकॉज यही एक माध्यम है खुशियाँ लाने का। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत खास है, संदीप जी ने इतना अच्छा गैदरिंग किया है और हम सब एकत्रित हुए हैं, तो जब भी संदीप बुलाते हैं वो खास ही होता है। आज वर्ल्ड डांस डे है और आज पूरी दुनिया नृत्यमय है, और हम तो ये सोचते हैं कि रोज का ही दिन जो है वो नृत्य से भरा होना चाहिए, और ऐसे ही मानते भी हैं। रही बात हीरा मंडी की, तो जिस तरह से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उतना इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत मेरे दो एपिसोड्स देखे हैं, तो बहुत ही सुंदर ये वेब सीरीज़ बनी है। और आप तो सब जानते हैं संजय जी का काम जो है अतिशय विशाल, भव्य, दिव्य होता है, और इसमें इस बार भी वो वैसे ही है, भव्य और दिव्य है। कथक से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैंने उनके लिए की है, दो गाने मैंने कोरियोग्राफ किए हैं उसमें, और कथक के एलिमेंट्स को उन्होंने यूज़ किया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सर जो है कथक को एक नया उजाला फिर से देते हैं। आम लोगों को कथक की बात समझ में आती है, जैसे मैंने इसमें एक तत्तत्ता त्रकदंदन एक छोटा सा टेक्निकल कथक का हिस्सा पढ़न किया है और वायरल हो रखा है, और सारे लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और यही किमया है संजय जी के काम की। उनको म्यूज़िक का सेंस है, डांस का है, एस्थेटिकली तो वो इतने साउंड है और परफेक्शनिस्ट है। ऐसे लोगों के साथ काम करना मतलब एक सौभाग्य की बात ही मानती हूँ मैं। मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के बाद मैंने इतना सर्वगुण संपन्न कलाकार देखा है, और नतमस्तक हूँ मैं उनके आगे, और बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मौका मिला मैं उनके साथ काम कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
wow, it's unbelievable, incredible performance. I was so mesmerized to see that I cannot take my eyes off. And I really look forward to see more performance and what to say about Sandeep sir. Sandeep sir is truly born dancer, gifted dancer, I'm telling you. Like, I'm eagerly waiting to see more performance like that. Thoroughly enjoyed. Any of your upcoming project you would like to share? Come again? Any of your upcoming project you would like to share? We'll let you know soon. It's too early to announce anything. So wait and watch. I'll come with some good news. Thank you. सर मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, दिस मैन इज अ जिम ऑफ पर्सन. मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. दिस वर्ड इज मीन्स बी अलॉट. मेरे को 12 साल से जानता है और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ एक्चुअली क्योंकि, बट इनका रिलेशनशिप हमसे मेंटेन किया इतना साल से. मैं इतना बोल सकता हूँ, हमारा 740 रेस्टोरेंट ऑल ओवर इंडिया पे, बट किधर भी इन्होंने हमको एक बार भी फ़ोन करके कुछ भी बोला नहीं. मैं कभी फ़ोन करता हूँ उठाता है, नहीं तो मिस कॉल देके वापस फोन करता है. दैट इज द जेम ऑफ अ गाय ही इज एंड ही परफॉर्म्ड हियर. ये मेरा भाग्य है, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ. ये मेरा माँ बाप का आशीर्वाद है. सो मैं इतना ही बोल सकता हूँ दैट लेट हिम परफॉर्म एवरी ईयर हियर ऑन इंटरनेशनल डांस डे ईव एंड आई विश आई टेक हिम फॉर सम अदर ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेज वेयर ही ऑल्सो हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज हिमसेल्फ. ही इज ऑलरेडी फुल्ली एक्सपोज, देयर इज नो डाउट. But see, opportunities are there every day. We cannot say opportunity ends here. So, it's a pleasure having you here. And we honestly at V-Launch and Tech, the entire team of Team Touch of Class, thank you everything for that. And at V-Launch and Tech, we have every day live performance. Every night there is a live performance. Some or other is performing every night. So, it is a place which is dedicated to music. And having him here on an International Dance Day Eve is definitely something incredible. Sir, what do you want to say here? वी लाउंज डेक पे आके हमेशा अच्छा लगता है. और आनंद सर की ये जो प्रॉपर्टी है, जस्ट इज एब्सोल्युटली वन, इट्स मोर लाइक होम, घर है हमारा यहाँ पर. जब सर ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे आके डांस करिएगा, लेट्स सेलिब्रेट इंटरनेशनल डांस डे, मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा. अपने घर पे इंसान नहीं आता तो कहीं कहाँ जाता है. तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. इट जस्ट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. यू आर वंडरफुल मैन, आई लव यू वेरी मच. एंड सारे लोग जो यहाँ आए हैं, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू कम, इट्स लवली प्लेस टू कम एंड just relax and chill with your friends and family. Aur yahan pe aake dance karne mein aur zyada khushi hoti hai. Thank you sir. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.